एशिया कप की हार के बाद फिर पाकिस्तान से भिड़ने जा रही रोहित की अगुवाई वाली टीम इंडिया। सबसे बड़े मुकाबले की तैयारी पूरी, लेकिन आईसीसी ने भारत वालों को दे दिया बड़ा झटका। क्या एक बार फिर टीम इंडिया करेगी वापसी, या पाकिस्तान के आगे फिर से सरेंडर कर देंगे हमारे शेर? 23 तारीख को जब आमने सामने होंगी दोनों टीमें तो थम जाएंगी आपकी सांसें, लेकिन इससे पहले आई ये खबर आपको जरूर चौंका देगी। एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की नजरें आईसीसी के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी T20 वर्ल्ड कप पर टिक गई हैं। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से करने जा रही है। पहला ही मुकाबला पाकिस्तान से होने का साफ मतलब है कि शुरुआत ही अग्नि परीक्षा से है। इस मैच की हार जीत पूरे वर्ल्ड कप का भविष्य तय कर देगी। मैच की तैयारियों के बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिसने टीम इंडिया के चाहने वालों को फिर से टेंशन में डाल दिया है। हाल ही में खत्म हुए एशिया कप में दोनों टीमें दो बार आमने सामने हुई थीं, जिसमें दोनों ही टीमों ने एक एक मैच अपने नाम किया। इन दोनों हाई वोल्टेज मुकाबलों के दौरान दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर दिखाई दिया था। अब फैंस को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच मुकाबले का इंतजार है। लाखों प्रशंसक इस मुकाबले को स्टेडियम में बैठकर देखने की उम्मीदें पाले बैठे थे, लेकिन हजारों फैंस की उम्मीदें टूट चुकी हैं। आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया है, मैच के टिकटों की बिक्री शुरू होते ही स्टैंडिंग रूम के टिकट भी चंद मिनटों में बिक गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक 5 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। मेलबर्न में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं। यहां तक के स्टैंडिंग रूम के टिकट भी मिनटों में सोल्ड आउट हो गए। मैच से कुछ दिन पहले आधिकारिक रूप से रीसेल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए फैंस अपने टिकट एक्सचेंज कर सकते हैं। इस खबर के बाद से भारत और पाकिस्तान का मैच देखने के इच्छुक दर्शकों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। हालांकि प्रशंसकों को पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं है, उनके पास टिकट का एक और मौका बना रहेगा। टूर्नामेंट की शुरुआत से कुछ समय पहले कुछ टिकट्स को रीसेल किया जाएगा, जहां फैंस टिकट पा सकते हैं। भारत पाकिस्तान मैच के टिकट पाने का अभी एकमात्र अंतिम जरिया बाकी है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान को इस बार T20 वर्ल्ड कप में एक ही ग्रुप में रखा गया है। पिछली बार हुए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली बार इस टूर्नामेंट में भारत को हराया था और टीम इंडिया को सेमीफाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। ऐसे में भारत एक बार फिर पाकिस्तान से बदला लेने मैदान में उतरेगा। हालांकि भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड 5-1 का है। इस मामले में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी है। भारत और पाकिस्तान के एक ही ग्रुप में होने से दोनों देशों के बीच एक बार फिर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आखिरी बार 2021 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी मात दी थी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 151 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान ने 10 विकेट बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस बार वर्ल्ड कप में भारत पूरे टूर्नामेंट के दौरान पहले चरण में 5 मैच खेलेगा। पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरा मैच 27 अक्टूबर को ग्रुप ए की रनर अप टीम के साथ, तीसरा मैच 30 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इसके बाद चौथा मैच 2 नवंबर को बांग्लादेश के साथ और पांचवा मैच 6 नवंबर को ग्रुप बी की विनर के साथ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के मैचों का आयोजन स्थान एडिलेड, ब्रिस्बेन, जिलोंग्स, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। वहीं सेमीफाइनल का आयोजन 9 और 10 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और एडिलेड ओवल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।